8:30 बजे ही उनको पेपर मिल जाता है, ये सारी कॉपियाँ हैं इसमें। फॉर्म मिला है। हाँ, तो आप डॉक्टर आर मिनट के सुन थोड़ा सा ऑफर का कोर्स करना चाहता हूँ बी एस साइंस के संबंध में। संस्था इन विभागीय प्रतिनिधि की सुन एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1979 नियम 1993 प्रावधानों नियमों की अवहेलना का दोषी होने के साथ साथ धोखाधड़ी के कार्य में भी संलिप्त होने के कारण निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1979 नियम 1993 के तहत संस्था को दी गई मान्यता वापस लिए जाने की कार्रवाई के साथ ही तत्समय शिकायतकर्ता के द्वारा बार बार संस्था की शिकायत करने पर भी उचित कार्रवाई नहीं करने पर दोषी अधिकारी कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। शिक्षा सचिव के इस आदेश के बावजूद भी इसको डायरेक्टर ने सीएमओ के दबाव के कारण सीएमओ का कौन अधिकारी वो भी अगली रूप में बदल हुआ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कौन पदाधिकारी है जो लक्ष्मणगढ़ तक जाएगा उनके कहने पर इस अवैध फर्जी उसको और रूल कर दिया डायरेक्टर ने कि फर्जी कार्रवाई कर रहा है। यहाँ से पेपर शीट लीक हुई है, आंसर शीट पेपर लीक हुए और ऐसे दर्जनों संस्थानों से पेपर लीक हुए जो इसमें पेन रहे हैं। जी के माथुर को पूछा जाएगा तो सारा सच सामने आ जाएगा, पूरे राजस्थान में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए। सर ये सारी चीजें शॉर्ट्स में बता दें। दूसरा डीएस साइंस के संस्थापक को संचालक को पूछा जाएगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तीसरा वो भक्तिलाल मीणा और उससे चढ़ा कांग्रेस का एक दूसरा पदाधिकारी पूछोगे तो सीधा मामला शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र तक जाएगा। मेरा आरोप है कि इसमें मंत्री और सीएमओ शिक्षा मंत्री का मंत्रालय और सीएमओ इन्वॉल्व है, ये मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ। इसलिए मांग कर रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए और एक कठोर कानून राजस्थान में लाया जाए जिससे रोज रोज अभी 26 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है तो रोज रोज ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप एकदम पेपरों को रद्द कर दो, आप सीबीआई से जांच के रिजल्ट आते हैं अगर जो मैं आरोप लगा रहा हूँ वो सही मिलते हैं तो पेपर रद्द करो, दोबारा परीक्षा कराओ जेएन की भी, सब इंस्पेक्टर की भी और नीट की भी। और अगर कोई दोषी नहीं मिलता है तो रिजल्ट तैयार करो, रिजल्ट घोषित कर देना। पर राज्य सरकार ये कर रही है कि सीबीआई तो केंद्र का तोता है, अगर वो केंद्र का तोता है और मुख्यमंत्री जी अपन को बहुत साफ सुथरा संवेदनशील मानते हैं और अभी तो 15-20 साल की छाती ठोक के गए, कभी अगले अपने गारंटी लेके गए 15-20 साल मैं ही रहूँगा, उनको रहना है अगर 15-20 साल आगे और चलना है और शांति धारवाहिक को फिर यूपीएच मिनिस्टर बनाना है, इतने पाक साफ इनका राज है तो मेरे आरोपों का जवाब केवल एसओजी से नहीं लग सकता। एसओजी न तो डीएस साइंस में हाथ डालेगी, न लक्ष्मणगढ़ में हाथ डालेगी, न सीएमओ में हाथ डालेगी। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए और ये बड़ा स्कैम निकलेगा। सत्तम घोटाला मध्य प्रदेश का जैसा ये घोटाला है, ये मेरी प्रार्थना है। मीडिया ने बड़ा साथ दिया इस मामले में और अब कल मेरे को मेरे हमारे प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का अरुण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर बुलाया था और विस्तृत जानकारी ली थी। मैंने विस्तृत जानकारी दे दी, ये प्रमाणों को बता दिया, वो संतुष्ट हो गए। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, सभी जी हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने निर्णय ये लिया है कि भाजपा के सारे विधायक इस मामले को लेकर
धरना देंगे, तिथि तय होगी, तिथि वही बताएंगे। जब तक ये जो मेरा धरना है ये स्थगित किया जाए। गिरोड़ी जी एक चीज बताइए, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई रीट का परीक्षा लीक नहीं हुआ और जो लीक की बात करें उसको जेल में डालो, तो जब ये माइंड सेट है तो आपको लगता है सरकार सीबीआई जांच मानेगी या कोई जांच करेगी? मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन जब हम धरना दे सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व होने जा रही है, तो लोकतंत्र में तो यही है कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के सामने सरकार को बात माननी चाहिए और सीबीआई जांच के लिए करना चाहिए। मैंने प्रमाणित आरोप आपके सामने रखे और ऐसा मान के चलते हैं कि गहलोत साहब सुनते हैं, गहलोत साहब बड़े संवेदनशील हैं, वो किसी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते, गांधीवादी हैं। और परसों 2 अक्टूबर को वो गांधी जी का वो स्लोगन लगा था कि कोई दीनहीन गरीब दुखिया, तो गांधी जी ने कहा था आपके सामने आ जाए तो उसकी आंखों को देखना और उसको न्याय देना। तो मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूँ कि विज्ञापन के फर्स्ट पेज पर आपने जिस स्थिति से सभी अखबारों में वो छाया किया है उसको अपने, अगर आप असली गांधीवादी हो तो उसके दिमाग में धारण करके इसकी सीबीआई जांच करें। सर 2 मिनट और लेना चाहता हूँ। राजस्थान जेईई अंदर 6 दिसंबर को पिछली बार पेपर हुआ था, सरकार उस टाइम पे भी नहीं मान रही थी कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ, अगर लीक नहीं हुआ तो पेपर कैसे कैंसिल किया, और उसके सरगना अभी तक एक भी नाम ओपन नहीं होने के बाद भी दोबारा 12 सितंबर को एग्जाम दोबारा हुई थी, और 12 सितंबर से पहले जब पिछली बार पेपर लीक हुआ था तो बोर्ड का अध्यक्ष चेंज किया गया था सरकार के द्वारा, उसका खंडन नहीं किया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली ये पेपर किसने लीक किया है। और उसके बाद में जब हमारा 12 सितंबर को पेपर होता है, बोर्ड ने एक भी सावधानी, पिछले अध्यक्ष के बजाय जब दूसरा अध्यक्ष बनाया गया था उन्होंने एक भी सावधानी अगर वो हमें बता दे, मैंने ये सावधानी बरती थी इस पेपर को लीक होने से बचाने के लिए। तो मैं मीडिया से उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा 6 दिसंबर को पेपर हुआ था तो उसमें ये पेपर की सील आई थी, अंदर पेपर के अंदर यूनिक कोड था कि जिससे हमने पेपर लीक हुआ था, तो एसओटी से पहले हमने बच्चों ने उस पेपर प्रकरण को की खुलासा की थी। उसके बाद जब 12 सितंबर को पेपर हुआ था, नए अध्यक्ष साहब आए, उन्होंने ना तो पेपर में सील लगवाई, अंदर के यूनिकोड हटवा दिए गए, तो इसका जवाब बोर्ड अध्यक्ष दे कि भैया क्यों हटवाया गया, जबकि 6 दिन बाद 12 सितंबर के बाद उसी बोर्ड के द्वारा ये पेपर लिया गया था एग्रीकल्चर का, उसमें सील थी और अंदर यूनिकॉर्ड थे। तो जेईई का पेपर जब दूसरी बार हो रहा था, पिछली बार लोगों ने 25-25 लाख रुपए में पेपर खरीदा था, एक भी नाम ओपन नहीं किया था, नहीं लिया था सरकार ने, किसी भी बच्चे को बाहर नहीं किया था, किसी सरगने को बाहर नहीं किया था, तो दोबारा एग्जाम कराने से पहले बोर्ड को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए थी, जिसका बोर्ड अध्यक्ष भी जवाब दे इसके अंदर सील और यूनिकॉर्ड क्यों नहीं दिए गए। दूसरा एसआई भर्ती का जो पेपर हुआ था, एसआई के बारे में जो मांग होती जा रही है, बीकानेर में जो एसपी है बीकानेर की प्रीति चंद्रा जी, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि यहाँ से पेपर आता है, पेपर यहाँ से जाता है पाली, पाली से सॉल्व होता है, फिर वापस बीकानेर आता है, और वहां से कई लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया था। उनके बयान में भी स्पष्ट था कि हो सकता है हजारों लोगों तक ये व्हाट्सएप के माध्यम से फॉरवर्ड हो चुका है, ये भर्ती हजारों लोगों की नहीं है, इस भर्ती में अंडर 1000 स्टूडेंट पूरे चयनित होने हैं, तो ये पेपर। दूसरी बात, प्रिंसिपल ने खुद ने फोटो खींची है, अखबार की हेडिंग्स है ओमर सिंह बाहर आ रही है इसकी, एक तरीके से सरकार दावा कर रही है कलेक्टर भी यहाँ पे नहीं लेके जा सकता अपना मोबाइल, वहां पे ओमर सिंह के वीडियो बन रहे हैं, वीडियो आपको पेन ड्राइव में डाले हुए हैं, ये देखो ये लड़के का एग्जाम रूम का, और एक बंदा एमफिल किया हुआ जिसने हिंदी के 2 लाख में 88 पेपर सॉल्व किए हैं, 88% बन रहे हैं सीधे सीधे, वो पकड़े गए हैं, उन्होंने कितने लोगों को फॉरवर्ड किया है, अभी तक केवल बीकानेर में 24 गिरफ्तारी उन्होंने बताई है, लेकिन जब से ये मामला हाईलाइट हुआ है उसके पश्चात एसपी मैडम का कोई बयान नहीं आ रहा है, इसमें उन्होंने खुद ने एफआईआर दर्ज भी की है, ये 3 बार आयोजित हुई है,
तीन दिन लगातार एक दिन भी हो सकती थी जिसमें स्टूडेंट की संख्या रीट से भी कम थी। पूरी चीज ऐसे बता दी सवाल करने का चले बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। और दोस्तों क्या क्या नतीजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निकले वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये नतीजे निकले कि सबसे पहला नतीजा तो ये निकला कि जो भी पेपर है वो पेपर लीक जो है वो नहीं किया गया था। कहाँ से किया गया था वो सारे फैक्ट लेके आज शाम को मैं आऊँगा, आपके सामने लाइव रहूँगा। इसके अलावा दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से पेपर लीक हुआ था, कहाँ से हुआ था, वो सारे फैक्ट आपके सामने रहेंगे। लाइव अभी स्टूडियो से है, सीधा मीडिया का जो स्टूडियो है वहाँ से है। यहाँ असलम जी चौबदार और बाबा वगैरह सारे के सारे यहीं हैं। और काफ़ी टाइम से लाइव था परंतु आप जुड़े नहीं, अब आप सभी जुड़े हैं। आंदोलन जो है वो स्थगित किया जाता है, यही अंत के अंदर बातें हैं कि आंदोलन जो है वो आपका स्थगित किया जाता है। इस आंदोलन को पूर्णतः यहाँ पर स्थगित किया जा चुका है और ये बात कही जा रही है कि अब जो है वो CBI जाँच इस पर की जाए। आपने लगातार ये वीडियो देखा था और लगातार वीडियो आपके सामने चल रहा था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों विदा लेता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धरना जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, ठीक है।